बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। एंड टुडे इज 26 जैन एंड वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीवन राइट नाउ। एंड राइड पे तो नहीं जा रहा हूँ, इट इज ऑलमोस्ट लाइक 2:33 o'clock इन द आफ्टरनून एंड आई एम लीविंग टू वर्ड्स थाने बिकॉज कल्पेश विल बी जॉइनिंग मी ओवर देयर। सो SD के शोरूम जा रहे हैं। आई हैव नो क्ल्यू वो हाउ द बाइक लुक्स, मैंने वीडियोज़ में देखा है बट अभी तक मैंने सामने सामने नहीं देखा है। सो कल्पेश एंड आई वी बोथ आर गोइंग, सो देखते कैसे क्या होगा। सो देर आर 3 bikes, थोड़ा फीलिंग अलग होगा क्योंकि आई थिंक मोस्ट ऑफ द गाइज आर वेरी एक्साइटेड फॉर द स्क्रैम्बलर, आई थिंक SD स्क्रैम्बलर, बिकॉज ADV एंड द सेकेंड बाइक इज ऑलमोस्ट सेम विद द रॉयल एनफील्ड बट देर आर ह्यूज डिफरेंस। सो मैं वो भी एक बार चेक करूँगा। सो मिलते हैं रोड पे। Best part which I've liked about the ADV is the suspension. If you can see, the positioning of the rear suspension is completely different right now. So that was the best part. I've ridden the scrambler and the ADV, and I think the ADV is more powerful
than the scrambler because the power delivery was completely different. So ek bar hamare bhai ka bhi ride ho jaye, he is going for a test ride for the ADV. So guys, bahut zyada maza aaya test ride mein, but there were three bikes, roadster, ADV and scrambler. स्क्रैम्बलर एंड एडीवी हमने चलाया, रोडस्टर नहीं चलाया क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल शोरूम वाले बोल रहे थे वहाँ पर शूट मत करो एंड ऑल. सो एंड द सेकंड थिंग इज तीनों भी गाड़ी गिरा, किसी ने गिराया हुआ था आई थिंक टेस्ट राइड के टाइम पे. सो हमने ज़्यादा नहीं किया वो, मतलब फुली टेस्ट ड्राइव नहीं, दो ही गाड़ी चलाया एक्चुअली. और फिर तीसरे टाइम पे रोडस्टर के टाइम पे मन ही नहीं हुआ चला क्योंकि बेसिकली हम दोनों का एक्साइटमेंट था स्क्रैम्बलर को लेके. सो स्क्रैम्बलर चलाने के बाद थिंग्स are very different now because I, on the looks, bike sound, ये दो चीज़ें मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि scrambler का जो look है वो HD में बहुत अच्छे से दिख, मतलब sound, bike posture and जो scrambler का specifications है, like the overlook I'm talking about, not the proper engine specification. ये तीन चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे थे. sound तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने ADV भी चला, उसका भी sound बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे. and स्क्रैम्बलर में एक हम लोग को डिसअपॉइंटमेंट हो गया क्योंकि उसके पावर को लेके, इट इज़ 335 cc राइट नाउ एंड उसके अकॉर्डिंग जो पावर डिलीवरी होना चाहिए राइडिंग के टाइम पर वो नहीं मिल रहा था प्रॉपरली. एंड देयर वर वाइब्रेशन ऑन द हैंडल एज वेल एज ऑन द मिरर, तो राइडिंग के टाइम पर कंटिन्यूसली वो वाइब्रेशन साउंड एक 60-70 की है इस पर आसपास, और आफ्टर 60 वाइब्रेशन साउंड ज़्यादा हो रहा था वो. एंड आई थिंक स्क्रैम्बलर लॉक था 65 पे, सो वो भगा नहीं पा रहे थे ज़्यादा हम. तो मैंने हाईवे पे ट्राई किया, सो नहीं हो पाया. सो दैट वाज द रिव्यू फॉर द स्क्रैम्बलर. सो लेट्स मूव टू द ADV. ADV का सबसे प्यारा चीज़ जो लगा मुझे वो सस्पेंशन, जो आपने पहले देखा होगा तो वीडियो में आपको क्लियर दिख रहा है कि वो सस्पेंशन जो उसका जो रहे सस्पेंशन जहाँ पर फिट किया हुआ है बहुत ही अच्छी तरीके से फिट किया है. एंड उसका रिबाउंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बनी हॉप जैसा रिबाउंड, बनी हॉप जैसा रिबाउंड था फ्रंट एंड द रेयर वन. तो वो भी ज़्यादा हम भगा नहीं पाए, बट यस वे टोक इट लाइक 70-75 अप्रॉक्स. सो वो अच्छा चला. उसका हैंडल पोजिशनिंग आई थिंक सैडलिंग एंड ऑफ रोडिंग के लिए मुझे नहीं लगता कहीं पर भी हैंडल एक्सटेंडर लगाने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि फॉर माई हाइट आई एम लाइक 5'10" चेस्ट के पैरेलल प्रॉपरली आ जाता है वो. सो आई डोंट थिंक सो कि उसमें एक्सटेंडर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी कहीं पर भी. इसके बाद जो मुझे अच्छा लगा वो है स्टैंड, उसका हिमालयन का स्टैंड बहुत बहुत सही लगा. एक डर्ट बाइक पे फोर्ज मेटल का पीस लगा हुआ है वहाँ पर, यू कैन से डर्ट बाइक का स्टैंड, एक 1.5 फुट का तो स्टैंड होगा, 1.5 फुट का स्टैंड होगा आराम से. सो ये एक प्रॉपर ओवरऑल रिव्यू है हमारी तरफ से. इफ यू लाइक द वीडियो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स. एंड येस काफ़ी दिनों से मेरे वीडियो नहीं आ रहे, बट आई एम वर्किंग ऑन इट एंड इस बार जल्दी से जल्दी मैं सारे वीडियो अपलोड करूँगा. सो सी या.